गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेंडिंग पार्ट ऑफ फेरोसिन। पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि फेरोसिन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसी है। वो थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यहाँ पर दो फेरोसिन के लिगेंड्स साइक्लोपेंटाडाइनाइल के दो लिगेंड्स इन्वॉल्व हैं और मेटल एटम उसके हिसाब से हमारे मेटल के जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो गए। और हमने लिगेंड के लिए जो कॉम्बिनेशंस थे वो विद द हेल्प ऑफ एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप फाइंड आउट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, ये फेरोसिन की डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हमारा है वो सेम रहेगा इन मेटेलोसिन्स के लिए। सिर्फ मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, अदरवाइज MOT सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ओवर हेयर कि आपके पास ए का मतलब होता है एक ऑर्बिटल, ई का मतलब होता है दो ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकते हैं और हमारे पास ई मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो आपने फिल करना शुरू किया 2 + 2 = 4 + 6 = 8 = 10 = 12। तो यहाँ पर 12 तक हमारा जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इतना जो सारे मेटेलोसिन्स हैं इतना काउंट तो उन सबका होता है। तो 12 के बाद जो हमारी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिपेंड करेगी कि हमारा जो A1G star, E1G star और E2G star में कितना गैप है। अगर इनमें गैप हमारे मेटल के रिगार्डिंग ज़्यादा हुआ तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले पेयर अप करेंगे, देन दे ट्रांसफ़र इनटू हायर ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर आपका एनर्जी गैप कम हुआ, जिसे हम CFSC बोलते हैं, अगर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी का गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, देन दे विल कम डाउनवर्ड इन ऑर्डर टू गेट पेयर अप। तो यहाँ पर यही सिचुएशन, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से हो गए, E2G, A1G star और E1G star। तो आपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल सीखा हुआ है तो आपको काउंट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने न्यूट्रल वे में सिखाया हुआ है तो आपने क्या करना है, आयरन कितना कंट्रीब्यूट करता है 8, साइक्लोपेंटाडाइनाइल की कितना कंट्रीब्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ हेप्टासिटी। तो हमने हेप्टासिटी देखा, ये रिंग में से जा रही है मेटल के साथ, तो पांचों एटम्स डिस्टर्ब हो रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 5, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 18। तो आपने यहाँ पर फिल किया हुआ है, देखो 18 का 12 तो हमारे ऑलरेडी हो गए, 14 16 और 18। फिर तो इस वे में ये सारे इन्होंने फिल किए हुए हैं, हम करके देख लेते हैं। वनेडियम हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 5 5 + 10 = 15। तो 12 तो हमने बार बार नहीं गिनने क्योंकि MOT काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आपने सिर्फ जो डिसाइडिंग ऑर्बिटल्स हैं वो डिसाइड करेंगे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का करेक्टर, क्योंकि नीचे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं तो वो तो डायमैग्नेटिक ही रहेंगे, ऊपर वाले जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक बनेगा। तो ये तीन ऑर्बिट सिमेट्री एलिमेंट्स आपके पास डिसाइडिंग होंगे। तो ये देखो तीनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, दैट मीन्स दिस मेटेलोसिन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पर देखो अभी सिमिलर वे में 16 बन गए, क्रोमियम के 6 होते हैं तो रिंग तो हमेशा 10 ही देगी, साइक्लोपेंटाडाइन 2 हैं तो हमारे पास 4 हो गए, 2 + 3 = 4। तो ये दोनों अनपेयर्ड है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। यहाँ पर देखो मैग्नीज में एक्सेप्शन है राजे, मैग्नीज में यहाँ पर A1G star और E1G star का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है कि इलेक्ट्रॉन जो पहले पेयर अप करते थे वो भी नहीं करेंगे, सारे के सारे पहले सिंगली फिल्ड होंगे। यानी कि ये तीनों ऑर्बिटल्स एक तरह से डीजनरेट ऑर्बिटल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमने रूल्स किए हुए हैं, तो हमारे प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि कब जब तक ऑर्बिटल डीजनरेट हों पहले वो क्या होंगे, सिंगली फिल होंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो एक तरह से ये एक डीजनरेट ऑर्बिटल्स की तरह बिहेव करते हैं इन द केस ऑफ मैग्नीज। तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड किए, उसके बाद आयरन आपके पास पेयर अप है तो डायमैग्नेटिक, अगेन यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वे में सारे के सारे मेटेलोसिन्स कंपाउंड्स क्या हैं, पैरामैग्नेटिक के नेचर हैं, लेकिन हमारा जो आयरन है दैट कंपाउंड इज ओनली डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो हमने फेरोसिन को ही ज़्यादा पढ़ना है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फेरोसिन इज ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड विद मेल्टिंग पॉइंट दिस एंड इट इज डायमैग्नेटिक, इट इज थर्मली स्टेबल, इट डिकम्पोजिज अबव 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपके पास क्या है,
कि जो आपका फेरोसिन का जो कंपाउंड है वो जब सिल्वर के कैटायन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, यहाँ पर आपके साथ फेरोसिनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास ये सारे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और कलर दे रखे हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से आप देख के लिख सकते हो किसका कलर क्या है रिस्पेक्टिव, आप देख सकते हो। और स्टेबिलिटी के हिसाब से डायमैग्नेटिक कंपाउंड सिर्फ आयरन है और आयरन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर अप है, लोअर इन एनर्जी है, तो हमारा जो फेरोसिन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद सारे कंपाउंड्स को आप अरेंज करके देख लो, तो ये हमारी स्टेबिलिटी क्या है एज वी मूव अलॉन्ग दिस सीरीज, तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, फेरोसिन है। तो हमारे पास फेरोसिन की रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। फेरोसिन हमारे पास जनरली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है विद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग में डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, जिस वजह से ये कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट समझाई हुई है, फेरोसिन की साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग पे आपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया, मेटल तो पहले से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हुआ तो मेटल का पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज कर गया, जिस वजह से हमारी रिंग की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई और रिंग ने उस इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर अटैच किया और हाइड्रोजन एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर गया, जिसे हम डीप्रोटोनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एग्जाम में आपने क्या करना है, सिर्फ ये दिया होगा, इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है, सो ओ के थ्रू आप वहाँ से क्लीवेज होती है और ये ग्रुप जाके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैच हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो हमारा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, जिस वजह से ये रिंग को क्या कर देगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्रेस कर देगा, फर्दर अटैक इज नॉट पॉसिबल। आपके पास रिंग में यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों रिंग्स पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो आपको विग्रेस कंडीशन, यहाँ पर आपको मोर रिग्रेस कंडीशन शुड बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू इवन ऑन द सेकेंड रिंग, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, जिस वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग पर क्या कर दी, सप्रेस कर दी। टू साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऑफ फेरोसिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली टू ईच अदर। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो थ्रू आयरन एक रिंग से दूसरे रिंग में ट्रांसफ़र होता रहेगा। आपके पास ये जो कंपाउंड बना है 11-11-diacetyl फेरोसिन बना है। उसके बाद आप एसाइलेशन दोनों रिंग्स पर, जैसे कि आप ब्रिज की तरह भी अटैच कर सकते हो अपने एसाइल ग्रुप को, तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म दे रखा है। सबसे पहले फिर से आपने वही किया, ClHCl रिमूव हुआ, ये सारे का सारा इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या हुआ, आपने H2 और प्लेटिनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किस में चेंज हो गया, CH2 ग्रुप में। और उसके बाद आपने क्या किया, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपके पास ये जो हमारा लास्ट OET है ये किस में चेंज हो गया, OH में, फिनोल ग्रुप। तो यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, आपने PCl3 के साथ जब रिएक्ट करवाया तो OH क्या बन गया, Cl। और Cl से फिर अगेन हमें रिंग में फिर से HCl की रिमूव हो सकता है, तो हमने HCl रिमूव कर दिया। और जिंक मलगम की प्रेजेंस में आपके पास जो ये कंपाउंड है वो भी किस में चेंज हो गया, CH2। नेक्स्ट आपके पास है अल्काइलेशन रिएक्शन। अभी अल्काइलेशन रिएक्शन रिंग में दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि पहले ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले ये अटैच हो गया रिंग के साथ, लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र कर रहा है कंटिन्यूसली रिंग को, जिस वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो गया, वो और भी फेवरेबल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास CH2 की प्रेजेंस में यहाँ पर H रिमूव हुआ है, CH2, CH3। फिर से अगेन आप एक्सेस में अगर एल्कीन दोगे तो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड आपके पास सेम रिंग पर ही डाई एल्काइलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन इज मैनेज रिएक्शन। मैनेज रिएक्शन में क्या है, आपने फेरोसिन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ 2-degree amine और फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में, जब कंडेंसेशन होती है वाटर रिमूव हो जाता है तो हमारे पास अमीन ये 3-degree amine है, 3-degree amine की फॉर्मेशन हो गई। और जब आप उसे मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी फेरोसिन रिंग पे।
नेक्स्ट रिएक्शन है मेटलेशन रिएक्शन। मेटलेशन रिएक्शन में भी सेम रहेगा, ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में आपने अटैच करवाया तो आपकी रिंग पे मेटल, क्योंकि रिंग नेगेटिव है और लिथियम पॉजिटिव, तो ये अटैच हो गया। अगर आप एक्सेस में प्रोवाइड करोगे तो दोनों रिंग्स पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जब उसे कंसनट्रेटर नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे तो जहाँ पर आपके साथ लिथियम अटैच हुआ है वहाँ पर आपका NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और लिथियम नाइट्रेट रिमूव हो जाएगा। या फिर आप उसे फर्दर रिडक्शन करोगे तो जो हमारा NO2 है वो किस में चेंज हो जाएगा, अमीन में। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन इज़ नॉट डायरेक्टली पॉसिबल ऑन फेरोसिन, तो आप इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू मेक टू डू ब्रोमिनेशन ऑन दिस फेरोसिन रिंग। तो सबसे पहले आपने उसे मेटलेशन किया, मेटलेशन के बाद आपने उसकी हाइड्रोलिसिस किया, BOH2 बन गया और क्यूप्रिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में आपकी ब्रोमिनेशन होगी। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या रहेगा, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमने पहले मेटलेशन किया और उसके बाद हमने मेटल कार्बन में क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की इंसर्शन कर दी। इंसर्शन में क्या होगा, COOL, क्योंकि हमें पता है लिथियम तो ऑक्सीजन के साथ आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो ये लीव भी कर सकता है और अटैच भी हो सकता है, तो आपने H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में H बन गया। तो उसके बाद आप क्या करोगे, अब ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया फेरोसिन रिंग के ऊपर। अगर आपने डायमेटलेशन किया हुआ है, मतलब फेरोसिन के दोनों तरफ ही आपका लिथियम है, तो इसी वे में आप दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव और H2O की। मर्क्यूरिएशन में क्या रहेगा, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ आप रिएक्ट करवाओगे इफ़ यू आर गिवन इन एक्सेस, तो आपको दोनों साइड रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन मिलेगी। और उसके बाद जब आप उसे आयोडीन के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपके पास आयोडोफॉर्म बन जाएगा, आयोडीन के रिलेटेड फेरोसिन का कंपाउंड आयोडीन डेरिवेटिव बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, आप रिंग में आपने दो फेरोसिन की कोबाल्टोसिन लिया, मतलब मेटेलोसिन की दो रिंग्स ली और CF2 की एडिशन की, तो ये आपके पास डिफरेंट रिंग्स में एक का हाइड्रोजन और एक का हाइड्रोजन आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। सेम रिंग पर भी ब्रिजिंग की तरह एडिशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे हुई है, एक ही रिंग थी आपके पास तो दोनों यहाँ पे भी अटैच हो सकता है। नेक्स्ट है सोडियम अमलगम के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी सिमिलर वे में। यहाँ पर सिर्फ CF3 आया, आपने अटैच किया और CF3 अटैच हो गया रिंग के साथ। और सिलाइलेशन में क्या होगा, फिर से दोनों साइड फेरोसिन के साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग में पहले आप मेटलेशन करोगे, या आपने मेटलेशन किया और उसके बाद आप अपने सिलाइल डेरिवेटिव्स को यहाँ पर अटैच करवाओगे, तो आपका लिथियम क्लोराइड दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा, आपके पास सिलाइलेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, परफॉर्म हो जाएगी ऑन दी फेरोसिन रिंग। दैट्स ऑल अबाउट फेरोसिन मॉलिक्यूल। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सिर्फ फेरोसिन के बेसिस पे ही आता है, क्योंकि फेरोसिन BSc के सिलेबस में जो हमारे पास फेरोसिन है, तो यहाँ पर मैंने MOT डायग्राम जो डिस्कस किया है, आपने क्या करना है, हम इसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप आपने एक करके दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद सपोज करो आपको ये याद नहीं रहता तो आप यहाँ लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हो कि हमारे पास जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे। A1G, A2U ये वाले सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे ऑन द लिगेंड साइड और ये वाले सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे ऑन द मेटल साइड, तो आप MOT ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन याद नहीं रहते। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।